Nearly 10 lakh people have been affected by the floods in Bihar. NDRF and SDRF teams have so far evacuated around 93,000 people across 10 districts in the state. The turbulent Gandak River breached the embankment at a village in Sangrampur block of East Champaran district. The Gandak River has turned turbulent following incessant downpour in the catchment areas of Nepal and heavy discharge of the water into the river from the Valmiki Nagar barrage. Darbhanga is the worst hit district in the state, where the deluge has affected over 3 lakh people.

and 426 panchayats are currently affected by the floods the government has set up 28 relief camps and community kitchens 21 teams of the national disaster response force and 14 teams of the state disaster response force have been pressed into service to rescue marooned people more than th more than 3 lakh uh, 2 चंद्रमोहन ब्रिंग रिपोर्ट सामने चंपारण तटबंध है जो गंडक नदी पर बना हुआ है और इसमें नवादा इलाके में रिसाव शुरू हो गया है तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इस रिसाव को रोकने के लिए इस इलाके के लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से लगातार पानी बढ़ रहा है इससे रिसाव और तेज होते जा रहा है जो सामने का घर दिख रहा है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर तक पानी जा सकता है और आगे आप जहाँ भी जाएंगे सिर्फ पानी ही पानी आपको मिलेगा ऐसे आलम में इस इलाके के लोग इस बांध को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बचेगा बांध खासा तो कम ही लग रहा है कि जिस तरह का रिसाव है बहुत तेज है पूरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिसाव रुक जाए यहाँ देखिए इस वार्ड नंबर बारह के जो कई घर हैं झोपड़ियाँ जो, जो है वो गंडक नदी में बिलींद हो गई हैं डूब गई हैं और कुछ घर बचे हुए हैं जो कि जो गांव वाले हैं और अपने घरों से जो सामान है जरूरी सामान उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें कहना है कि अभी तक इनको कोई बड़ी नाव की व्यवस्था नहीं की गई जिसकी वजह से ये तर बन्द बजा सके आप लोग कितने दिनों से पानी से घिरे हुए क्या दिक्कत है दिक्कत हम लोग का सर यही है कि पहले कटाव नहीं हो रहा था इसलिए हम रुके थे अब कटाव हो रहा है अब सब घर बिलिन हो रही है दरिया में नाउ टोरेंटियल रेन्स एंड इनससेंट फ्लड्स कंटिन्यू टू रीक हैवॉक इन असम द स्टेट Has been the worst hit by the floods as the death toll now touches 96. Nearly 28 lakh people across 26 districts in the state have been affected. Relief and rescue operations are currently underway with over 25,000 people in 300 relief camps. The floods continue to affect the Kaziranga National Park and Tiger Reserve with almost 85% of its area completely inundated. Over 125 animals of the park, including 13 rhinos, have died in and around the reserve. Now not only Bihar and and Assam villages in Uttarakhand have been hit with heavy rains, floods landslides. Priyanka Kandpal brings us this report. छाना गांव में हम बिल्कुल जो नदी बह रही है उसके पास मौजूद है यहां आप देखिए कि यहां जहां पर फिलहाल आपको मलबा नजर आ रहा है यहां पर लोगों के घर थे मकान थे जो पूरी तरह से टूट गए हैं और यहां हालात जो है वो इसी तरीके से बने हुए हैं पर खतरा नहीं टला है और इसका अंदाजा जो है इससे लगाया जा सकता है कि दरारें जो हैं वो बिल्कुल अभी भी देखी जा रही हैं जो परिवार यहाँ रहते हैं उनसे बात करते हैं प्रशासन से कोई मदद मिली कोई आया नहीं मैम कोई नहीं आया गाँव के पास ही नहीं आया और कहाँ पटारी कहाँ तहसीलदार कोई नहीं आए हमें पूछने के लिए ये मेरे पीछे आप जो तेज वेग में बहती हुई नदी को देख रहे हैं यहाँ फिलहाल आपको कुछ टुकड़े नजर आ रहे होंगे एक मोटर ब्रिज जो था वो यहाँ से टूट गया है और यहाँ फिलहाल लोगों के पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है 22 गांव है जो उस तरफ है लेकिन किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी नहीं है तो लोग ऐसे में कैसे आ रहे हैं ये आपको दिखा रहे हैं कि एक लोगों ने टेम्परेरी पुल ये बना रखा है और किस तरीके से जान को जोखिम में डाल के ये तमाम लोग इन रास्तों को पार कर रहे हैं द सिचुएशन grim टू बी states इन मेनी country, अक्रॉस द कंट्री battling आर flood बैटलिंग द फ्लड as the यू कैन कैच ऑल द स्टोरीज ऑन न्यूज on news18.com. Stay healthy, स्टे सेफ